नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरएस प्रोडक्शन चैनल में और मेरा नाम है रोहित। और आज मैं एक अच्छा एक टेक्निक बताने वाला हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी है दोस्तों। VFX से रिलेटेड तो नहीं है पर हमारी ही फील्ड से रिलेटेड है। अगर हमें इसके बारे में पता हो तो हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है और चीज़ों में। तो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है और काफ़ी पहले इन्वेंट हो चुकी है, बहुत पहले इन्वेंट हो चुकी है। तो इस टेक्निक का नाम है दोस्तों स्टॉप मोशन, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है दोस्तों। वीडियो का भी जो हमने वीडियो बनाई या फिर जो भी फिल्म बनी दोस्तों, सब इसी की देन है दोस्तों। जो स्टॉप मोशन जैसे चालू हुआ उसी के बाद से ही हमने मूवी बनाने स्टार्ट, कैमरे स्टार्ट हुए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब स्टॉप मोशन है क्या और इसके टाइप्स, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के और स्टॉप मोशन आते हैं और इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की किसने स्टार्ट किया, बस ये बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें दोस्तों। और आपको इसको बहुत अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपको इस चीज़ की और वीडियो चाहिए मैं जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अब स्टॉप मोशन के बारे में बात करते हैं। स्टॉप मोशन क्या चीज़ है? तो स्टॉप मोशन है कि हम किसी भी चीज़ को फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करते हैं। लाइक जैसे मुझे कुछ भी चीज का स्टॉप मोशन बनाना है। अगर मुझे दोस्तों क्या होता है, एक इल्यूजन हम लोग बनाते हैं। जैसे हमने फोटो अलग अलग मूवमेंट की फोटो खींची और स्टैक्टो फील अलग फोटो खींची दोस्तों, और उसको हम दोस्तों जब मिलाते हैं तो एक इल्यूजन बनता है कि हाँ ये मूवमेंट है। पर हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग फोटोज की क्लिक करते हैं दोस्तों। इसे अगर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको वीडियो में तो ये कुछ ऐसा होता है। अलग अलग इमेज लगाएंगे दोस्तों इस टाइप से, और अलग अलग इमेज को लगा के उनको जब हम रेंडर निकालते हैं, प्रीमियर प्रो कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें रेंडर निकालते हैं, तो एक इल्यूजन बनता है कि ऐसा लगता है कि हाँ ये वीडियो है, पर वो असल में वीडियो नहीं होती। तो दोस्तों जो वीडियो असल में होती है वो असल में वीडियो नहीं होती, क्योंकि वो दोस्तों एक इल्यूजन है फ्रेम्स का। तो दोस्तों हम देखते होंगे कि हमने आपसे सुना होगा 20 FPS, 25 FPS फ्रेम पर सेकंड। तो दोस्तों यही होता है फ्रेम पर सेकंड की कितनी फ्रेम आएगी एक सेकंड के अंदर। अगर 60 फ्रेम 60 FPS पे रखते हैं, काफी कैमरे 60 FPS पे करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कैप्चर करने वाले भी बहुत से बोल्ट कैमरे जो होते हैं वो 1000 FPS तक भी अपना कैप्चर करते हैं। तो उसमें अलग ही एक स्लो मोशन आता है, स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों स्टॉप मोशन यही था दोस्तों कि हम किसी भी इमेजेस को क्लिक करके जब एक रेंडर निकालते हैं और उसको जब दिखाते हैं तो वो स्टॉप मोशन होता है। दोस्तों स्टॉप मोशन होता कैसे है मैं आपको ये बता दूं। स्टॉप मोशन क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें कोई भी एक मूवमेंट को करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक एक फोटो खींचते चलेंगे, एक एक फोटो। जैसे मेरा हाथ यहाँ गड़ा, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, फोटो खींचते हुए चले जाएंगे और ऐसे बहुत सी फोटो खींचेंगे और एक एक सीक्वेंस बनाएंगे इमेजेस का, और उसे हम वीडियो बना के जब वो निकलेगा तो इल्यूजन लगेगा कि हाँ ये हाथ मेरा ऐसे हिल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद इसके टाइप्स में बता दूं, तो सबसे पहले इसका जो टाइप है, फर्स्ट टाइप जो सबसे पहले चला दोस्तों वो पपेट। पपेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी चीज का पपेट बनाते हैं। लाइक जैसे हमें किसी इंसान का ह्यूमन का बनाना है, वो गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो कोई भी मटेरियल हो सकता है दोस्तों। प्लास्टिक से बना सकते हैं हम, कोई भी कपड़े से बना सकते हैं, कोई भी लोहे से बना सकते हैं, वो उससे मतलब नहीं होता दोस्तों। एक पपेट होता है छोटा सा या फिर कोई भी बड़ा भी हो सकता है, उसको हम स्टॉप अलग अलग मूवमेंट दे के और उसको फोटो खींचते हैं और जब उसको मिला देते हैं और तो एक मूवी बन के आती है दोस्तों। काफी मूवी है पपेट एनिमेशन से भी लेके, पपेट स्टॉप मोशन से लेके। तो सेकेंड जो आता है दोस्तों आता है क्लेमेशन। क्लेमेशन में होता क्या दोस्तों, एक मिट्टी होती है, मतलब एक बोले तो चिकनी मिट्टी होती है कुछ कलर टाइप की, और उससे एक हम सबसे पहले क्या करते हैं क्लेमेशन की, अगर कोई मूवी बनानी है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक
एक आर्मेचर बनाते हैं किसी भी लोहे का, मतलब लाइक जैसे हमारी जो बोन्स होती है उसका आर्मेचर बनेंगे। आर्मेचर बोले तो कि हाथ के लिए अलग आर्मेचर बनेगा, अलग मतलब एक ढांचा खड़ा होगा लोहे का इंसान का, और उसके ऊपर हम मिट्टी चढ़ाते हैं। पर वो आर्मेचर जो होता है वो स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल होता है, वो कहीं भी मुड़ जाता है, वो लोहा का ही पतला होता है, तो उसके ऊपर हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो कहीं भी मुड़ते हैं तो हम उसे मूवमेंट दे सकते हैं। और अगर हमें कोई भी हाथ हिलाना है या वगैरह इसका मुंह हिलाना है तो एक एक फोटो ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे और उसको जब मिलाएंगे तो वो बन के आएगा दोस्तों। तो कटआउट एनिमेशन, कटआउट एनिमेशन काफी मुश्किल होता है दोस्तों। लाइक जैसे हमने क्या किया, हमने कोई भी एक सॉफ्टवेयर में या फिर हमने हैंड ड्रॉ नहीं करा, या फिर सॉफ्टवेयर में कोई भी एक कार्टून बनाया और उसको एक प्रिंटर से प्रिंट निकाला और उसको हमने सीजर से या फिर कैची की मदद से काट के उसके कैरेक्टर को अलग किया, एक्सट्रैक्ट किया उसमें से, और उससे दोस्तों हम क्या करते हैं उसे मूवमेंट देते हैं और कैमरा हम ऊपर अपना स्टैटिक कर देते हैं या ट्राइपॉड वगैरह में लगा के, और नीचे हम कोई भी मूवमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है कटआउट का। और जो सेकंड आता है वो होता है मॉडल एनिमेशन। दोस्तों मॉडल एनिमेशन होता है कि हम एक भी पुतला बनाते हैं, वो सेम क्लेमेशन की तरह होता है दोस्तों, पर उसमें हम कोई भी मेटल से बना सकते हैं, कोई भी मटेरियल से बना सकते हैं, और उसको क्या करते हैं दोस्तों लाइव एक्शन के अंदर करते हैं, ऐसा इल्यूजन करा करते हैं कि वो मॉन्स्टर टाइप है। मैंने मूवी देखी थी इसके अंदर वो स्टॉप मोशन का यूज होता है और नीचे आदमी भाग रहे थे और ऊपर एक बहुत बड़ा राक्षस था या फिर ड्रैगन था, वो ऐसे बनाया था कि वो मिट्टी से बनाया था, और उसको बाद में हमने लो एंगल से शूट किया, ऐसा लग रहा था कि वो काफी बड़ा है दोस्तों। ये होता है मॉडल एनिमेशन। लास्ट जो लास्ट नहीं दोस्तों, जो फिफ्थ है जो काफी यूज होता है वो लाइक पिक्सलेशन है। पिक्सलेशन में क्या होता है दोस्तों, रियल लाइव एक्शन में शूट होता है, रियल ह्यूमन ह्यूमन शूट होता है, और उसमें क्या करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम खींचते जाते हैं और वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आपने देखा भी होगा। और लास्ट जो बचा आपका वो है ऑब्जेक्ट एनिमेशन। ऑब्जेक्ट एनिमेशन में दोस्तों क्या होता है कि हम कोई भी ग्राफिक करते हैं, या फिर ग्राफिक्स हो सकता है, या फिर हम कंप्यूटर में करते हैं ग्राफिक होता है, जैसे हमने कोई भी एक मैगजीन से कटआउट कर लिया और उसको एनिमेट किया, तो ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत टाइप के स्टॉप मोशन है। जो मेन है ये स्टॉप मोशन मैंने जो बताई है 6 स्टॉप मोशन है दोस्तों। अगर इसमें देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट एनिमेशन है वो अगर हटा दे तो ये जो 5 एनिमेशन स्टॉप मोशन एनिमेशन है ये काफी यूज होते हैं और काफी आसान होते हैं करने को अगर करना चाहे तो दोस्तों। दोस्तों यही था स्टॉप मोशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें, और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर रेड कलर का बटन होगा, इसको उसको जरूर क्लिक करें, और उसके साइड में बेल आइकन होगा तो उसको जरूर दबाएं, ताकि अगर मैं कोई भी अपनी एक नई वीडियो डालू तो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।